सरहद पर चीन की धोखे और चालबाजी पर भारत ने फिर आर्थिक चोट की। सरकार ने 118 चीनी ऐप पर बैन कर दिया। ये चीन को एक बड़ा झटका है। इस प्रतिबंधित ऐप्स में टिकटॉक के बाद पबजी भारत में काफी पॉपुलर रहा है। दुनिया में 24% पबजी भारत में डाउनलोड होते थे। इससे चीन की काफी कमाई होती है, लेकिन एक झटके में चीन की यह कमाई बंद हो गई। सरकार के नए आदेश से 118 ऐप्स पर पाबंदी लगी। इन्हें देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए खिलाफ बताया। आदेश में कहा गया है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंसर और होम मिनिस्ट्री की ओर से इन ऐप्स पर बैन लगाने की मांग की गई थी। दूसरा बड़ा आक्रमण भारतीय सरकार ने किया है इन ऐप्स के ऊपर, और जब इन 118 ऐप्स को बैन किया है तो ये जो बैनिंग ऑर्डर है, ब्लॉकिंग ऑर्डर, वो सेक्शन 69A के तहत भारत के सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत पास किए गए हैं, क्योंकि सरकार के अनुसार ये जो मोबाइल ऐप्स हैं कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा पर नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव रखते हैं। अब चीन इस फैसले के बाद रो रहा है। जाहिर तौर पर टिकटॉक के बाद ये सबसे बड़ी चोट में से एक है, जिससे चीन के बिजनेस को खासा नुकसान होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री के हवाले से कहा है कि भारत के द्वारा जो मोबाइल ऐप्स पर बैन किया गया है, उसमें चीनी इन्वेस्टर्स और सर्विस प्रोवाइडर के हितों को चोट पहुंचेगी। चीन इस मसले पर गंभीर है और इसका कड़ा विरोध करता है। चीन की छटपटाहट देखते ही बनती है, लेकिन भारत भी अब चीन के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा कि उसके साथ होना चाहिए था। चीन तो भारत के इस फैसले से रो ही रहा है, लेकिन अमेरिका भी चीन के जख्मों को कुरेद रहा है। भारत के इस कदम का अमेरिका ने स्वागत किया और 118 ऐप बैन करने के फैसले को बिल्कुल सही बताया। अमेरिका भारत की कार्रवाई से न सिर्फ खुश है, बल्कि वो भारत को खुद के साथ 5G मिशन में जोड़ने का न्योता भी दे रहा है। अमेरिकी सरकार के इकोनॉमिक ग्रोथ डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी कीथ रॉच ने बयान जारी करते हुए कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 5G तकनीक के जरिए दुनिया का नुकसान पहुंचाने में जुटी हुई है। भारत ने पहले ही 100 से अधिक चीनी ऐप्स को बंद कर दिया है। ऐसे में हम भारत जैसे कई देशों से अपील करते हैं कि वो सही नेटवर्क बनाने के लिए मिशन में हमारे साथ जुड़ें। भारत अमेरिका के साथ किन किन मुद्दों पर साथ होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौजूदा तस्वीर ये जरूर बताने के लिए काफी है कि भारत चीन को रियायत देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है।